हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं द रवि टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर और इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में रिमोट, डीडी फ्री डिश का रिमोट है या किसी भी कंपनी का रिमोट हो, आप बना सकते हैं इसको। तो वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। आज इस रिमोट को हम बना के दिखाएंगे और इसमें क्या कमी है ये भी दिखाएंगे हम आपको। तो वीडियो पे बने रहिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए दोस्तों, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इस रिमोट में देख लेते हैं क्या कमी है। तो रिमोट में आप देखेंगे ये कैमरा है, ठीक है, कैमरा है ये मोबाइल का, ये देखेंगे। मैं इसको अब बटन प्रेस कर रहा हूँ लेकिन एलईडी जो आप देख रहे हैं ब्लिंक नहीं कर रहा है, ठीक है, ये देखिए ब्लिंक नहीं कर रहा है। मैं इसका वोल्टेज भी चेक करके दिखा देता हूँ आपको कि इसकी बैटरी ठीक है या नहीं है। तो आप मल्टीमीटर भी देख सकते हैं, इसको मैं 20 के रेंज पर कर देता हूँ और इसका बैटरी चेक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे ये बैटरी का बैकअप 3.5 वोल्ट आ रहा है, 3 वोल्ट आता है लेकिन 2.5 आ रहा है, मतलब बैटरी चार्ज है, थोड़ा सा वीक है लेकिन चार्ज है बैटरी, ठीक है। तो इसको हम देखिए नहीं जल रहा है, तो इसको हम खोल के देख लेते हैं क्या दिक्कत है इसमें। तो किसी पेचकस की मदद से या इससे हम खोल लेते हैं, ऐसे भी खुल जाएगा ये। पहले सेल निकाल लेते हैं इसका इस तरह से, इस तरह से इसको हमने निकाल लिया और इसको हम ऐसे खोल लेते हैं, ठीक है, इस तरह से हमने इसको खोल लिया है। खोलने के बाद देखेंगे दोस्तों, ये देखिए आप, ये आईसी वाला रिमोट है, ठीक है, और वैसे देखने में सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है इसका। ये भी कनेक्टर भी सब लगा हुआ है, ये इसका आयर ये है। इसमें क्या देखते हैं दोस्तों, ये जो है एलईडी, इसका आयर एलईडी जो है ये अपना ट्रैक छोड़ रखा है, ये देखिए ऐसे ऐसे हिल रहा है, जिस कारण से रिमोट नहीं चल पा रहा है। तो एक काम करते हैं, हम इसको हम सोल्डिंग करके देख लेते हैं चलता है कि नहीं चलता है। तो इसका ट्रैक टूट गया तो हम क्या करेंगे, इसके बगल में आप देखेंगे थोड़ा सा है, इसको हम ऐसे घिस देंगे, किसी ब्लेड की मदद से भी घिस सकते हैं आप ऐसे, इस तरह से, इस तरह से ऐसे घिस लेना है इसको और उसके बाद सोल्डिंग कर देना है। तो सोल्डिंग करने के लिए ऐसे और आयरन लेंगे और इस पे ऐसे करके सोल्डिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसको कर दिया और दूसरे साइड भी इसका ट्रैक टूटा हुआ था, तो इसको भी हम ऐसे सोल्डिंग कर देते हैं, ये देखिए अब ये हिलना बंद हो गया, ठीक है। अब इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम इसको इस पे ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, और इसका जो ये जो बैटरी है एल सेल, इसको हम इसमें लगा देते हैं प्लस माइनस देखकर, ठीक है। लगाने के बाद हम देते हैं, ठीक है, और इसको हम ऐसे लगा कर ढक देते हैं। अब हम देखते हैं ये ब्लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप देखेंगे, अभी मैं इसका लाइट बंद कर देता हूँ थोड़ा सा कैमरे की, अब देखेंगे आप ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, ये देखिए कर रहा है। तो ये रिमोट बन चुका है दोस्तों। क्या होता है कभी कई बार रिमोट हमारा जो गिर जाता है इस तरह से, तो ये ट्रैक टूट जाता है। तो इस कंडीशन में क्या करना होता है दोस्तों, ये जो ट्रैक से छूट जाता है तो उसको हम आयरन की मदद से सोल्डिंग कर देने से ये बन जाता है। इसमें ज़्यादा कोई ख़राबी नहीं होती है, बस ये कार्बन वगैरह आ जाता है इसके ट्रैकों पे,
तब भी ये चलना बंद कर देता है, या फिर ये ख़राब हो जाता है तब भी चलना बंद कर देता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।